हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ अपने करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ लेक्चर नंबर 12 के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा खनिज आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का उद्योग, और आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है छत्तीसगढ़ का खनिज। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप हमारे ऑनलाइन चैनल CGPSC ई ज्ञान के जितने भी अच्छे एडुकेटर्स हैं उनके CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के कोर्सेज को पेन ड्राइव और आपका PDF फॉर्म में जितने भी लेक्चर्स हैं उसको www.visualcard.com पे जाकर ज़रूर चेक करें, और हो पाए तो उसे आप लोग एक बार चेक करने के बाद उससे आप पढ़ के देखें, आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो टोटल में से 27% राजस्व जो है वो हमको खनिज से प्राप्त होता है। वर्ष 2017-18 में 24,693.33 करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ और राजस्व प्राप्ति 4,911.41 करोड़ हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका खनिज में से अगर देखें तो मुख्य खनिज जो है वो 95% और गौण खनिज आपका 5%, कोयला 58%, लोहा 29.6%, चूना पत्थर 7% और अन्य जो है 6%। अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य खनिज के भंडारण एवं उत्पादन का प्रतिशत अगर हम लोग देखें तो कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। लोहा जो है उसका हमारे भारत का 17.91% जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तीसरे स्थान पर है। उत्पादन हम कितना करते हैं, 21% भारत के लेवल पर। ठीक है, और इसमें जो है आपका प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है। लोहा में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 19.59% इंडिया का जो है लोह का अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और उत्पादन की दृष्टि से हम द्वितीय स्थान पे हैं, 17.19% जो है हम उत्पादन करते हैं। चूना पत्थर पे हम पाँचवें स्थान पे हैं भंडारण के में, और चौथे स्थान पर हैं उत्पादन के रूप से। हमारे में भंडारण में हमने रखा है 4.48% और उत्पादन की दृष्टि से 10.74%। बॉक्साइट में हम लोग उत्पादन और भंडारण दोनों में ही चौथे स्थान पर आते हैं, और टीन में भंडारण और उत्पादन दोनों में ही हम प्रथम स्थान पर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, मूल्य में योगदान जो देखेंगे सबसे ज़्यादा टीन का है 100%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है खनन तथा उत्पादन, उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है भागीदारी का विपणन। तो यहाँ पे 2012 से लेके 2018 तक आप लोग देखोगे तो वृद्धि जो है वो नकारात्मक तरीके से 2 सालों में हुई है, 2015-16 और 12-13 में, और उसके बाद अभी 2018-19 में वृद्धि दर कितना है, 3.50। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2016-17 में 9.68%। हिस्सा या भागीदारी अगर हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन क्षेत्र का, तो सबसे ज़्यादा है आपका 12.36 2012-13 में, और उसके बाद 2018-19 मतलब प्रेजेंट में 11.18% जो है भागीदारी हिस्सेदारी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर अमाउंट में भी देखेंगे तो हमको ये अमाउंट वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने ये प्रतिशत याद किया है तो ये हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। कुल खनिज उत्पादन का मूल्य करोड़ों में 2012-13 से लेके 17-18 तक देखेंगे, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ और भारत का आप लोग देखोगे तो छत्तीसगढ़ का प्रेजेंट है 8,857 करोड़, जो कि घटा है। और योगदान अगर हम लोग परसेंट में देखें भारत के हिसाब से छत्तीसगढ़ का, तो प्रेजेंट में 9.3% जो है योगदान रहा है कुल खनिज उत्पादन का। अब वर्ष 2016-17 में कुल उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा कब रहा हिस्सेदारी, 9.6% 2016-17 में।
खनिज से आय जो होती है वो कैसे होती है, करोड़ों में अगर हम लोग देखें तो मुख्य खनिज से जो आय है 2017-18 में 4014 करोड़, और गौण खनिज से 213 करोड़, दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर। कोयला की रॉयल्टी जो है वो सेम है 145, आयरन ओर की रॉयल्टी बढ़ी है 300 से हो गई है 450, बॉक्साइट की 140 और डोलोमाइट की 75, लाइमस्टोन की 80 2013-14 और 14-15 में। ठीक है, रॉयल्टी दर का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, आयरन ओर, उसके बाद कोयला, फिर बॉक्साइट, फिर चूना पत्थर और फिर डोलोमाइट। तो ये नंबर नाम जो श्रेणी नाम मतलब लिस्ट है वो हमको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आयरन ओर की है, फिर कोयला की है, फिर बॉक्साइट की है, फिर चूना पत्थर की और फिर डोलोमाइट की है। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2014-15 से आयरन ओर के रॉयल्टी दर में टोटल 50% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो जो हम एग्ज़ाम्स में हम लोगों से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मतलब कि खनिज भंडारण जो है छत्तीसगढ़ में उसका क्रम क्या है, तो कोयला का जो है सबसे ज़्यादा ये घटते हुए क्रम है, कोयला, उसके बाद चूना पत्थर, ये जो हमने इससे पहले टेबल देखा है वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी है, कोयला, चूना पत्थर, फिर लोहा मतलब आयरन ओर, उसके बाद डोला माइट और उसके बाद बॉक्साइट। तो इस तरीके से भंडारण है। ठीक है, और उत्पादन का अगर क्रम देखोगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला का होता है, उसके बाद चूना पत्थर का होता है, फिर लोहो अयस्क का होता है और फिर बॉक्साइट का होता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य खनिज कहाँ पे क्या पाया जाता है, ये उसकी लिस्ट है। रायपुर में चूना पत्थर मुख्य खनिज है, बलौदा बाजार में आपको क्या मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण धातु, गरियाबंद में गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, दुर्ग में आपको चूना पत्थर, मोल्डिंग शेड, क्वार्टरजाइट, बालोद में आपको लोहो अयस्क मिलेगा, बेमित्रा में आपको चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट मिलेगा, राजनांदगांव में आपको चूना पत्थर, लोह अयस्क, फ्लोराइड, क्ले, सिलिका, ये सब मिलेगा, सिलिका सैंड, कबीर धाम में बॉक्साइट, चूना पत्थर, लोह अयस्क और सोप स्टोन। उसके बाद धमतरी में क्ले और अगेट मिलेंगे थोड़ी सी मात्रा में, महासमुंद में आपको मिलेगा स्वर्ण धातु, क्वार्टरजाइट, लोह अयस्क, चूना पत्थर। तो यहाँ पे ऐसे तो हमको याद नहीं होगा, तो चलिए हम यहाँ पे अपना थोड़ा टाइम देते हैं, देखते हैं हम सबसे पहले कि चूना पत्थर हमको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो चूना पत्थर देखिए, रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, उसके बाद बेमित्रा, उसके बाद हमको कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे चूना पत्थर बताओ, कबीर धाम में। ठीक है, और उसके बाद महासमुंद में, तो टोटल 6 हो गए, महासमुंद, कबीर धाम, उसके बाद बेमित्रा, रायपुर, बलौदा बाजार, और उसके बाद आपका एक और बच गया था, एक और कौन सा बचा था आप मेरे को जल्दी बताएं, राजनांदगांव। तो जो हम इसको अब थोड़ा गाना बनाकर याद करें, राजा जो थे, राजा कबीर, वो महासमुंद में गए, महासमुंद में उन्होंने स्नान किया, फिर वो रायपुर गए और उसके बाद वो बलौदा बाजार में बाजारी करने गए और उसके बाद वो फाइनली कहाँ पे आए, बेमित्रा में आकर रेस्ट किए। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, ये थोड़ा सा सिली है लेकिन अगर हम इस तरीके से चीज़ों को याद करें ना तो हमको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो राजा कबीर सिंह, राजा से राजनांदगांव, कबीर सिंह से कबीर धाम, तो राजा कबीर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, समुंदर में स्नान लिया, महासमुंद में उन्होंने स्नान किया, फिर वो रायपुर गए, रायपुर से जाके उन्होंने शॉपिंग करनी थी बलौदा बाजार में, तो वो बलौदा बाजार में शॉपिंग किए और फिर वो बेमित्रा में आकर आराम किए। तो चूना पत्थर इन 6 जगहों पे मिलता है, हम इसको ऐसे याद करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद इससे ये चीज़ याद हुई होगी। अब हम लोग दूसरा पकड़ते हैं स्वर्ण धातु। सोना को आप सिंपली याद रखो, 2 जगह मिलता है, आपका बलौदा बाजार में और एक आपका महासमुंद में। बलौदा बाजार और महासमुंद में आप लोगों को स्वर्ण धातु मिलेगा। डोलोमाइट आप कहाँ कहाँ मिलता है, बलौदा बाजार में, उसके बाद आपका बेमित्रा में, उसके बाद आपका 2 ही जगह मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है आपका, बेमित्रा में और आपका बलौदा बाजार में। तो दोनों बी बी से है, बालौदा बाजार और आपका आपका बेमित्रा। अब लोह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है, जो लोह अयस्क है वो हमको देखने को मिल रहा है आपका बालोद में,
बालोद के बाद राजनंदगांव में, राजनंदगांव के बाद कबीरधाम में, और कबीरधाम के बाद हमको देखने को मिल रहा है महासमुंद में। तो टोटल चार जगह, बालोद, उसके बाद राजनंदगांव, महासमुंद, कबीरधाम। तो इसके शुरू के तीन आप वही राजा कबीर सिंह महासमुंद में नहाने गए थे, तो आपका राजनंदगांव, बालो आपका कबीरधाम, महासमुंद, और एक चौथा है आपका बालोद, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर साइड कहाँ मिलता है, दुर्ग में मिलता है। तो ऐसे हम इन चीज़ों को याद करेंगे। उसके बाद आता है आपका जगदलपुर। अब एक दूसरी लिस्ट आ गई है, जगदलपुर में भी चूना पत्थर मिलता है। हमने पहला पेज का याद कर लिया, अब दूसरे पेज में आते हैं, जगदलपुर में भी हमको चूना पत्थर मिलेगा। जो छह चीज़ें हमने याद की थी उसमें हमको एक जोड़ना है, जगदलपुर, बिलासपुर, पुरपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जगदलपुर, बिलासपुर, मुंगेली। ऐसे हमको मेरे साथ आप लोग ना बार बार बोलो, जगदलपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जगदलपुर, बिलासपुर, मुंगेली। इससे पहले जो राजा कबीर थे वो महासमुंद में स्नान करके रायपुर गए, रायपुर से उन्होंने बाजारी करनी थी तो बलौदा बाजार गए, फिर वो बेमित्रा में आराम किए, फिर वो जगदलपुर गए, बिलासपुर और मुंगेली, जगदलपुर, बिलासपुर, मुंगेली। ऐसे आप लोगों को ना सारे नाम याद होंगे, या तो टोटल हो गए 9 नाम। अब डोलोमाइट जो है वो भी जगदलपुर में मिलता है। डोलोमाइट इससे पहले भी हमने देखा दो जगहों पे मिलता है। उसके बाद बॉक्साइट, क्वार्टरजाइट, नारायणपुर, लोह अयस्क। लोह अयस्क और कहाँ पे मिलता था हमको, बालोद में मिल रहा था, बेमित्रा में मिल रहा था, देखें, और एक और जगह मिल रहा था बालोद, बेमित्रा और महासमुंद में और कबीरधाम में, ठीक है। उसके बाद कांकेर में बॉक्साइट मिलता है बहुत कम मात्रा में। बॉक्साइट जो है वो कोंडा गांव में भी मिलता है। अब दंतेवाड़ा में क्या मिलता है, लोह अयस्क मिलता है और टीन मिलती है। उसके बाद बीजापुर में आपको कोरंडम बॉक्साइट मिलेगा। सुकमा में आपको क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम मिलेगा। बिलासपुर में चूना पत्थर, डोलामाइट। मुंगेली में चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट। जांजगीर चांपा में आपको चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। कोरबा में कोयला मिलता है और थोड़े बहुत मात्रा में माइका और फायर क्ले मिलता है। सरगुजा में भी आपको कोयला बॉक्साइट मिलेगा। इसके बाद आपका आता है सरगुजा में कोयला मिलेगा, सूरजपुर में कोयला मिलेगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे माइका भी मिलेगा, बलरामपुर में आपको कोयला मिलेगा, कोरिया में कोयला मिलेगा, रायगढ़ एरिया जो है उसमें आपको कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टरजाइट मिलेगा। कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टरजाइट मिलेगा। जशपुर में आपको थोड़े बहुत स्वर्ण धातु मिलेंगे और बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। अब आता है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए इससे पहले जो अभी हमने लिस्ट देखी ना, वो हमको एक बार में बिल्कुल भी याद नहीं होगी। अभी आप उसको दो तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, फिर जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी लिस्ट को हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ 15 जनवरी तक डेली पढ़ोगे ना, तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों के प्रीलिम्स का, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पार्ट मैं ज़रूर तैयार करा दूंगी, ठीक है। अब आता है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका गठन हुआ था 7 जून 2001 को। इसका मुख्यालय रायपुर में है। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो खनिज है उनका दोहन और विकास करके उसके विकास को बढ़ावा देना। इसकी पूंजी अभी कितनी है, 5 करोड़ रुपए, जो राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त उपक्रम है, ठीक है। इसमें अब टोटल अभी 5 परियोजनाएं चल रही हैं उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र में। टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोल परियोजना और आपका लोह अयस्क परियोजना। तो टोटल ये 5 परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुख्य खनिज के राजस्व आय में जो है वृद्धि, जो अगर हम लोग देखें तो सभी में वृद्धि हुई है। 2017-18 में मुख्य खनिज में 30.68% और गौण खनिज में 15.57%। तो दोस्तों यहाँ पे ये खनिज वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट होता है। इसके आगे भी हम एक और दो, एक क्लास, दो क्लास जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण का ही करेंगे। उसके बाद हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।